सुना था, ब्रदर ने शेयर किया था, जो कंटिन्यूस पाप करते रहते हैं और आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो उसके लिए कुछ ये नहीं है, क्षमा नहीं है, या एक समय ऐसे आता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा या जो हमें करेक्ट करती है, जो हमको डिसिप्लिन करती है, वो चली जाएगी। तो ये समझाने के लिए ब्रदर ने एक एग्जांपल दिया था, ब्रदर जैक ने, जैसे कोई ज़्यादा धूम्रपान करता है, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, वो कंटिन्यूस करता है, करते जाता है, एक पॉइंट ऐसे आ जाता है कि डॉक्टर भी बोलता है उसको, अगर तुमने स्मोकिंग बंद नहीं की तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। 2 या 3 महीने का टाइम है, जो भी शराब हो, स्मोकिंग हो, गुटखा खाना हो, कैंसर हो जाएगा भाई, इसको बंद कर दो, इसे मौत निश्चित है। तो वही एग्जाम्पल पाप के विषय में भी है, पवित्र आत्मा हमको चिताती रहती है, बताती रहती है कि ये तुम काम जो कर रहे हो गलत है। फ़ोन पे गलत चित्र देखना हो, या झूठ बोलना कंटिन्यूसली, या आज्ञा का पालन नहीं करना, विरोध करना हमेशा, तो ये पवित्र आत्मा बताती रहती है। एक जो स्पिरिट होती है ना एंटी क्राइस्ट वाली, वो सबके अंदर होती है, और पवित्र आत्मा उससे हमको उसके विपरीत जाने को बोलती है, उसके साथ मत जाओ। क्योंकि जैसे वचन कहाँ है, आपने पढ़ा भी होगा, एक हिब्रूज में वचन है, दोज हु विलफुली कंटिन्यू टू सिन नो लॉन्गर देल बी फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, हिब्रूज चैप्टर 9, हिब्रानियो अध्याय 9 26 में वचन है, हिंदी में पढ़ना चाहूँगा, सत्य का ज्ञान पा लेने के बाद भी यदि हम जानबूझ कर पाप करते ही रहते हैं, फिर तो पापों के लिए कोई बलिदान बचा नहीं रह सकता। सत्य का ज्ञान होने के बाद भी पाप करते रहते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते रहते हैं पवित्र आत्मा का, तो उनके लिए कोई क्षमा नहीं है। उसके बाद जो लोग कंटिन्यूस पाप करते हैं उनके लिए क्या बचा है, बल्कि फिर तो न्याय की भयानक प्रतीक्षा और भीषण अग्नि ही शेष रह जाती है, जो परमेश्वर के विरोधियों को चट कर जाएगी। तो पवित्र आत्मा ने मुझसे ये बातें की है, मैं अपने आप को जज कर रहा हूँ, किसी और को नहीं। पवित्र आत्मा हमको सुधारने के लिए वचन देता है, दूसरों के लिए नहीं। डॉक्टर हमको हमारे जो सिकनेस है, हमारे जो गलत काम है, उसको बंद नहीं करेंगे, उसके लिए वार्निंग देता है, तो बंद करना है। कई ऐसे भी कंडीशन है अपना कि अपन मानते नहीं, और बहुत टाइम से ऐसे निकल गया है कि हमारा कंडीशन वही है, अंतिम पाप कर चुके हैं और अपने को मतलब पवित्र आत्मा कुछ बताते भी नहीं, तो वो कंडीशन भी एक बैड है। जैसे लेप्रसी बोलते हैं किसी को, लेप्रसी के वो जैसे हुआ इंसान को कुछ लगा या कट गया, उसको पता भी नहीं चलता, महसूस भी नहीं होता है, तो वो भी सिचुएशन आ चुकी है या आ सकती है हमारे जीवन में, वैसे होना नहीं है, क्षमा मांगना है। आगे चल के वो ईसा का भी एग्जांपल देता है, जो बहुत उसने श्रम किया परमेश्वर के साथ, क्षमा मांगी लेकिन उसको दिया नहीं है, तो वो सिचुएशन में भी नहीं आना है अपने को। पवित्र आत्मा परमेश्वर दयालु है, क्षमा करेगा, तो पवित्र आत्मा और प्रभु पर विश्वास रखना है और अपने आप को वचन में और पवित्र आत्मा की बातें सुनना है और जीवन सही करना है, वही एक मकसद है वचन का, पवित्र आत्मा का। प्रभु की स्तुति हो।